दोस्तों, आप लोगों के मन में भी ये बात तो जरूर आती होगी कि श्री कृष्ण को रणछोड़ क्यों कहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण को हम भक्तजन कई नामों से पुकारते हैं, जिसमें रणछोड़ भी शामिल है। इस नाम के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब श्री कृष्ण का काल्यवन के साथ युद्ध हुआ, तब श्री कृष्ण ने काल्यवन को अपने पीछे दौड़ाकर एक गुफा की तरफ ले गए, जहां पहुंचने के बाद उन्होंने खुद को छुपा लिया और काल्यवन को गुफा के अंदर जाने दिया। काल्यवन को गुफा में एक व्यक्ति सोता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा कि वो व्यक्ति श्री कृष्ण है, परंतु वे राजा मुचकुंद थे। राजा मुचकुंद को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उन्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। जब काल्यवन ने उन्हें लात मारकर जगाया तो वो भस्म हो गया। इसके उपरांत ही श्री कृष्ण इस लीला के कारण रणछोड़ कहलाए।